हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फिलहाल जस्ट मैं अभी हूँ रॉकी ब्रो के घर, क्योंकि रात को हम ऑर्डर में गए थे तो मैं कैमरा यहाँ रख के गया था। तो वो सुबह सुबह फ्रेश भी नहीं हुआ था, अभी घूम ही रहा है, ब्रश अभी किया तो मैं जल्दी पहुँच गया, क्योंकि कल काम में थे तो कल व्लॉग नहीं कर पाया, इसलिए आज मैंने सोचा कैमरा लेके आ जाओ और कर लूँ। और ये ब्रो सुबह सुबह में अभी खाना बनाएगा, नाश्ता बनाएगा, खुद ही सब जुगाड़ करता है, इसलिए मैं थोड़ी देर रुकता हूँ वरना यहाँ से चलता हूँ। क्या बनाएगा नाश्ते में? नाश्ते में पोहा और चाय और अभी ना पापा भी आएगा दोपहर को, तो खाना भी बनाना है। खाना भी यही बनाता है, अच्छा है। और उसको सब कमेंट में बताओ कि लड़की ढूंढ ले जल्दी से, किसी भी है नहीं अभी भी, वो को इन रिलेशन में है, किसी के साथ है नहीं, सिंगल है। सिंगल। तो लड़की ढूंढ ले, कमेंट सेक्शन में बताए आपके गांवों में कोई है अच्छी लड़की, 10 पड़ी 12 पड़ी चलेगा? 10 पड़ी चलेगा ना भैया? चलेगा 8 5 10 5। बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत खुश रखेंगे, ठीक है। तो उसको लड़की ढूंढिए, वो अकेला ही घर पे काम करता रहता है और मैं आता हूँ तो मुझे भी अकेले ही खाना बना के देता है। तो चलो वो सब करते हैं, लेकिन अभी यहाँ से मैं शायद निकल रहा हूँ क्योंकि मेरा भी नहाना बाकी है, मैं भी जल्दी इधर ही आ गया था। तो चलो मैं भी यहाँ से चलता हूँ, आगे जाके मिलूंगा आप सब। चलो अभी हमारा को भी जाना है इधर से, चल मिलते हैं, बाय। फिर फ्रेश होके आ जा, ठीक है, फिर आता हूँ मैं। अभी 10 बजे इतनी गर्मी है ना कि पूरी गाड़ी गर्म हो जाती इधर तो। चलो कैसा है? चल तो भैया एक मुझे चाय पिला दो, है क्या नहीं बनाई हुई? चलो तो अपनी दुकान चाय खुद ही पी लेता हूँ, अच्छी चाय बनाता है हमारा भाई। तो फिलहाल चाय तो हो गई अपनी और अब निकलूंगा। हेयर तो यहाँ सेट नहीं करा सकते, लेकिन बियर्ड सेट कराना है, तो देखता हूँ कहीं जुगाड़ लगाना पड़ेगा और दाढ़ी सेट करवाने ले जाना है। कौन सी दुकान अच्छी है ब्रो इधर सलून? उधर सामने उसके, वहाँ बंटू के घर के अगली साइड मीटर सार्टियों के करीब में, ठीक है। चलो तो वहाँ ही चलता हूँ। सो फिलहाल गाइस हमारा बियर्ड सेट कम्प्लीट हो गया। क्या है भैया सलून का नाम? अरमान हेयर सलून। अरमान हेयर सलून और अनिल, अनिल और अच्छा काम करते हैं वो कमाट के अंदर। तो किसी को भी अब पूछो तो ये शॉप का एड्रेस बताते हैं। तो फिलहाल इसका एड्रेस कंपलसरी कौन सी जगह पे है? अरमान हेयर सलून, और यहाँ सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे ही है, तो आप एक बार ज़रूर विजिट करना और मेरी कटिंग, ये क्या नाम है, प्रकाश भैने की, तो अच्छा फीडबैक मैं उसको दे रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर आए। और उसके साथ बियर्ड सेट मैंने सेट करा है, तो बहुत ही अच्छा है, बड़े सलून के अंदर यही काम होता है और यहाँ भी यही काम हो रहा है, तो हमारा कमांड में भी अच्छा काम करते हैं ये प्रकाश भाई। एक बार आए तो उसको मिलना, बियर्ड सेट अच्छे कर देते हैं। चलो मिलता हूँ, थैंक यू सो मच। कितना हुआ? 40 रुपये, रिजनेबल प्राइस है। तो आप एक बार आना, ज़रूर विज़िट करना यहाँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसे छोटे मोटे सलून के अंदर भी एक बार आप विजिट करना चाहिए, वहाँ भी अच्छे टैलेंटेड लड़के होते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो बहुत ही अच्छा, आगे बढ़े और तरक्की करें। फिलहाल मैं घर पहुँच गया और देखिए मेरे घर का नज़ारा। ओम फो, गुड्डू क्या कर रही हो? गुड्डू को मैं बताता हूँ, आप सब ऐसे देखते रहे ना, गुड्डू क्या कर रही है क्या नहीं, ये देखिए क्या कर रही हो? आम धो रही। इतनी सारी कैरी कहाँ से लाई? पता नहीं। हाँ मैंने लाई, मैंने लाए थे 2 कैरेट। वो पक्की है कि नहीं? ये है ना, एक है ये मस्त है। ये मस्त नहीं, ये नहीं, ये पूरी पक गई है, ये वाली खाऊंगा, नॉर्मल वाली इसको मैं खाऊंगा गुड्डू के ओर से। क्या बनाए? तो फिलहाल कैरी मक्की मजा, बहुत ही खूबसूरत मिट्टी कैरी, बहुत मजा आया। गुड्डू असम है कैरी, मिट्टी है।
प्यारी। मिठी कैरी मुझे बहुत पसंद है कैरी खाना। तो फिलहाल मैं जस्ट बैठा अब कमांड से आके और गुड्डू फिर से कैरी काट रही है, तो खाने की मज़ा आएगी। कैरी के हम इतने बड़े फैन हैं कि इतनी कैरी इतने आम खाएंगे किसी ने सोची नहीं होगी। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे घर के बाहर बैठा हूँ, ऐसी होती है विलेज लाइफ। और दोस्तों देखिए, ये हमारे सोने के लिए खाटला बोलते हैं गुजराती में, वो दोरी के भरे हुए, और हम ऐसे चेयर पे बैठे हुए, यहाँ खेत ही खेत दिख रहे, गाँव के बीच में, जंगलों के बीच में रह रहे हमारे आदिवासी लोग, प्राउड माई राठवा समाज। बहुत पकी गई है कैरी गुड्डू, देखिए। तो फिलहाल अब मैं मेन चैनल से 20 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला, तो ये कंटेंट पड़ा हुआ है जो हमारे संस्कृति पे बनाया हुआ है, तो मैंने शूट कम्प्लीटली कर लिया, अभी एडिटिंग ही करने का है बाकी, तो एडिटिंग कर रहा हूँ एक साथ, और एक साथ पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो कंटेंट के बारे में, तो उसको मैं डबिंग करूँगा, उसको वॉइस ओवर करूँगा। तो क्या है कि हमारा समाज के रिलेटेड है ये, तो इसमें कुछ गलत ना बोल जाए इसलिए मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, और कुछ सुधार के किसी वडील को पूछ के लिख के फिर डबिंग करता हूँ, ऐसे कुछ खास वीडियो है इसमें। तो चलो, बड़ी दिक्कत होगी 11:30 बजे और गुड्डू आई और आगे खाना रख दिया, अब खाना ही पड़ेगा, साइड पे काम कर दिया क्योंकि सुबह से कुछ चाय वाय पी नहीं लिया, सुबह चाय पिया था वहाँ कमांड वही, अभी 11:30 बजे मुझे खाना है, वो क्या उसको क्या फिर खा ले, वो फिर वो फ्री हो जाए तो उसको टेंशन फ्री ऐसा, तो मैं खा लेता हूँ, बाद में एडिटिंग करूँगा और ब्लॉगिंग भी करूँगा, तो आप सब खाया क्या खाया, और इधर फ़ोन भी आएगा, क्या करे गुड्डू। चलो सो फिलहाल गाइस 12:49 यानी कि 1:10 की देर है, तो मैंने 2 घंटे यहाँ बैठ के ही डबिंग, यहाँ स्क्रिप्ट लिखी और वीडियो भी एडिट कंप्लीट कर दिया। ये देखिए, तो मेरा एक्सपोर्ट पे लगा दिया मैंने, ये देखिए एक्सपोर्ट हो रहा है, वीडियो अभी बहुत देर लगेगी। आज तक मैंने मेरे व्लॉग चैनल पे 60 वीडियो और मेन चैनल पे 250 वीडियो 300 वीडियो समथिंग मोबाइल से ही एडिटिंग करके अपलोड किया है। ये मैंने रियलमी एक्स पहले मेरी स्कॉलरशिप के पैसों से फ़ोन लिया था, तो गुड्डू ने सपोर्ट किया था जब हम रिलेशन में थे तब लिया था, 23,000 का 23,000 का फ़ोन, उसी से मेरा लक चल रहा है। मैंने 250 वीडियो 300 वीडियो उन्हीं से यूट्यूब पे एडिट कर दी, अब उसके लिए मैं गुड्डू को साड़ी दिलाऊंगा, तो कौन से कलर की साड़ी दिलाया जाए गुड्डू को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गुड्डू कौन से कलर की साड़ी दिलाऊं? 7 कलर। यहाँ तो एक ही कलर की नाइटी पहनता हूँ ब्लैक कलर की, दरअसल तुझे 7 कलर की साड़ी चाहिए, 7 दिन की 7 साड़ी, उसकी भी चैनल आने वाली। तो चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, मैं बाहर निकलता हूँ घूमने, ट्राइड हो गया हूँ, अभी मेरा मेन चैनल का वीडियो भी आज शाम तक आ ही जाएगा, समथिंग गई शाम को आ गया होगा, देख लेना मेरी मेन चैनल पे खन्नू राठवा और ये खन्नू राठवा व्लॉग, और अभी एक चैनल क्रिएट करने वाले हैं, आप सब इतना सपोर्ट ही करते हैं, प्यार ही करते हैं, तो कमी क्या है, और बड़ा गिवअवे भी रखेंगे और कुछ अब लोगों को हेल्प कर रहे हैं जैसी कुछ वीडियो कंटेंट के बारे में भी सोच रखा है कोई। तो फिलहाल 3:30 बजे और जस्ट मैं हूँ अभी घर पे ही हमारे किचन में, देसी किचन हमारा। तो फिलहाल मुझे भूख लगी थी, तो गुड्डू क्या बना रही है पता नहीं, क्योंकि खाना आज मैं क्योंकि डेली बाहर रहता हूँ तो बाहर ही खा लेता हूँ, और गुड्डू शायद आज मैं घर पे ही था तो ऑर्डर पे भी जाना है शाम को हमें, तो गुड्डू ने सोचा कि आज बाहर खा के आएगा तो मैं खाना कम बनाती हूँ, तो मैं घर पे ही था इसलिए मैं पूरा खाना खा गया और अभी भी भूखी लगी है मुझे। तो गुड्डू फिर सुबह दोपहर में क्या बना रही है क्या दिखाता हूँ, क्या बना रही है गुड्डू? क्या पास्ता? पास्ता बना रही हो मेरे लिए? यस, ये पानी निचोड़ लो फिर। पास्ता बना रही है, पानी निचोड़ के इसमें फ्राई। सो स्वीट यार गुड्डू, ये हमें जहाँ डी पिज्जा में पास्ता मिलते हैं ऐसा ही सेम बना दिया तूने तो, वाओ मुझे पास्ता बना के दिया गुड्डू ने। नहीं अभी अब टेस्ट करूंगा। तू खुद क्यों खा रही है? मुझे तो खाने तो पहले मस्त है ना, पहली बार ट्राई किया। पास्ता किसे पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, गुड्डू ने बनाया पहली बार बनाया कि कब की बना रही थी। फिलहाल जस्ट मैं घर पे ही था लेकिन रॉकी ब्रो का फोन आया, अभी शाम को एक तो ऑर्डर में भी जाने का है और वहाँ तो चार्जर है नहीं, चार्जर रह गया था मेरे घर, तो मैं जा रहा हूँ उनको देने कमांड, फिर अभी जा रहा हूँ कमांड, दिन के अंदर 10 दिन 10 आटा लगाना पड़ता है क्योंकि 5 किलोमीटर है मेरे घर से, लेकिन कुछ ना कुछ काम ही होता है तो फिर जाना आना मुझे रहता ही, कमांड जाए बिना कोई दिन ही नहीं जाता, कुछ दिन काम में तो ही नहीं वरना पहुँच जाता, और बाल भी कैसे हो गए अभी कटाने के लिए, बड़ौदा भी जाने पड़ेंगे थोड़े दिन में। चलो मैं कमांड जाके चार्जर देख के थोड़ी देर बाद।
मैं जा ही रहा था लेकिन ये फ्रेंड लोग मिल गए तो संदीप ब्रो को भूख लगी थी, गुरुजी हमारा संदीप, और पीतू तो ऐसे ही खड़ा था अकेला था। मैंने सोचा चल कुछ जुगाड़ कर दे, तो समोसा मिल गया मुफ्त में। अच्छा कोई लोग अच्छे मिलते हैं तो कुछ खाना मुफ्त में मिलता है, क्या बोलता रोहित? खाते रहते। चलो खाते हैं थोड़ी देर, खाने के लिए तो जीते ब्रो। दो तो खा गया, अभी भी खा रहा है, कितना खाएंगे फिलहाल। गाइस नाश्ता लगा हमारा कम्प्लीट हो गया और अभी दो लोग तो खा ही रहे, खाते ही जा रहे, पता नहीं कितना खाने वाले हैं क्या नहीं। तो हम तो आज घर भी बनाया है खाना, इसलिए थोड़ा कम खाया और थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे घर जाने के लिए, क्योंकि 8:30 तक हमें पहुँचना है ऑर्डर में। तो यहाँ नाश्ता के लिए अच्छा मिलता है, भजिया ठेपरा जो भी हो, यहाँ एक बार ज़रूर विजिट करना। बस स्टेशन के करीब में ही है जहाँ चाय की और पंचायत के शॉपिंग है, वहाँ ही है। समोसे भजिए ढेबरे आलू बड़े, ठीक है आलू बड़े ढेबरे भजिए हमने टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा था, इसलिए ब्लॉग में भी बता दिया। और फिलहाल बस स्टेशन के करीब में ही है, पंचायत के लाइन में शॉपिंग है वहाँ। अब शाम के टाइम में कि पूरे दिन? ना शाम के 2 बजे से 8 बजे तक। अच्छा ब्रेकफास्ट नाश्ता मिल जाता है यहाँ भी शाम का टाइम को, जिसको नाश्ता करना तो एक बार जरूर विजिट करेगा। मैं यहाँ से निकल ही रहा था तो यहाँ एक दूसरी गैंग मिल गई, तो इतना खा रही है पूरी लारी खा ले, पूरी लारी खाने कर देगी हमारा, वो बिल हमारे घनु भाई आज चुकाएंगे, हमारा जो खाएंगे वो बिल घनु भाई देंगे। बर्थडे गई, जिसकी बर्थडे गई वो 7 दिन पीती देता है ना बार। आज घनु बिल देगा, आकाश देगा, आकाश कहार हमारा गमन बाबू भी कल सीजन में अभी चल नहीं रहा ऑर्डर खत्म जो साउथ ब्रो पहचान लो, अभी हम स्मार्ट मूवी में इसको विलन का रोल देने वाले हैं। तो फिलहाल गाइस मैं जस्ट आ गया अभी घर कमाट से, क्योंकि अभी जाना है मुझे फिर से ऑर्डर में 8 बजे, इसलिए गुड्डू ने खाना भी बना दिया तो कॉल भी आ गया था, और वहाँ फाइटर में लोग मिल गए तो कुछ नाश्ता भी कर लिया, लेकिन अब तैयार होकर फिर से जाना ही पड़ेगा मुझे ऑर्डर के लिए। तो चलो मैं भी घर पहुँचा, थोड़ी देर बाद अब निकलूँगा। क्या कर रही हो, क्या बना रही हो? सुबह से लगी थी छोले भटूरे में, देखो अभी बना रही हूं। बना ही लिया फाइनली गुड्डू ने छोले भटूरे, कैसा रहा छोला भटूरे? पता नहीं वो टेस्ट कर, उसके साथ क्या खाना है? छोले। ओके ठीक है, चलो नहा लेता हूँ बाद में खाते, ठीक है। तो फिलहाल गाइस बजे है 8 और मेरा फिर से टेबल पे खाना आ गया। वाह क्या बनाया गुड्डू? छोले और भटूरे, साथ में मस्त सलाद, नींबू डुंगड़ी का छोले भटूरे और छास पानी। थैंक यू गुड्डू, वेलकम। क्या बना है? तू मस्त बना दे, तेरी कुकिंग वाली चैनल जल्दी ग्रो होगी शायद। यस है ना, ये जाते बना रही है, खुद बना रही ना, इसलिए बहुत अच्छा। चलो टेस्ट करते कैसे बनाया। मस्त। कैसे बनाया तूने? ऐसे ही। कैसे ऐसे? ऐसे ही। इतने टेस्टी। मस्त है। मस्त है ना, ये भी मैंने पहली बार ट्राई किया। पहली बार इतना टेस्टी? एकदम रात्रि बाजार जैसा। रात्रि बाजार के छोले भटूरे गुड्डू ने बना दिया, जो भी खाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मस्त यार, मजा आया। सो फिलहाल गाइस हमारा खाना बना हो गया है, अभी गुड्डू एडिटिंग कर रहा है, और आज का वीडियो यहीं से हम एंड करेंगे। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय गाइस, गुड नाइट।